हे गाइस, आज मैं आपको बहुत पावरफुल कुंडलिनी क्रिया बताने वाली हूँ, जिसके लिए कल मैंने आपको ब्रेथ ऑफ फायर समझाया था। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको बोला जाता है ईगो इरेडिकेटर। इसके थ्रू आप अपने ईगो सेल्फ्स को कम करेंगे, ईगो लिटरली इरेडिकेट होगा। इसके पोस्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपके फिंगर्स हैं ना, उनको आपको यहाँ रखना है, जो माउंटेन्स है ना उनके ऊपर, और जो थंब है ये बाहर की तरफ रहेगा और 60 डिग्री एंगल बनेगा लाइक दिस। ओके, मैं पास से वीडियो इसलिए बनाती हूँ बिकॉज मुझे वॉइस क्लैरिटी अच्छी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा थंब होता है वो ईगो होता है और फिंगर्स में हमारे सारे प्लैनेट होते हैं। तो प्लैनेट को हमने ऐसे कवर कर दिया और थंब को हमने ऊपर की तरफ कर दिया, तो ईगो को हमने रिलीज कर दिया। और इसका पोस्चर ऐसा है कि आपके ऐसे है ना, तो चेस्ट एरिया, ये जो सारा एरिया, स्टमक एरिया, इससे सारे जो इमोशंस हैं ये निकल करके सारे रिलीज हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी, ऑफकोर्स आपको 3 मिनट तक ब्रेथ ऑफ फायर करना है, बीच में थोड़ा सा प्यास भी लगती है, और अगर आपको आपको ईगो बहुत ज़्यादा है तो आपके हाथ भी दुखने लग जाएंगे। अगर आपको रेस्ट लेना हो ना, मान लीजिए हाथ दुख गए, तो आप रादर ऊपर कीजिए, हाथों को नीचे कर मत कीजिए बीच में, है ना, कोशिश कीजिए कि आप ऊपर करें। या ऐसा कर सकते हैं कि शुरू में आप सिर्फ 2 मिनट ही करें। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको अपना फोकस क्राउन चक्रा के ऊपर रखना है। इसमें जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फोकस रखना होता है, तो नोज के ऊपर रखना होता है या चिन के ऊपर रखना होता है या क्राउन चक्रा में, तो इसमें क्राउन चक्रा के ऊपर होगा। तो हर कुंडलिनी क्रिया को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, ट्यून इन करते हैं ओम नमो गुरुदेव नमो से। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये ओम नमो गुरुदेव नमो है, काफी फॉरनर्स इसको ओम नमो गुरुदेव नमो बोलते हैं या रामादासा सासे सोहंग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अम है, तो आई डोंट नो, वो प्रनाउंस नहीं कर पाते, पर मुझे पता है कि ओम नमो गुरुदेव नमो है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हार्ट चक्र पे से रखेंगे, इंटेंशन सेट करेंगे कि जो हमारी एनर्जी है वो रूट चक्र से शुरू होके थर्ड आई तक जा रही है। ब्रीद इन करेंगे, कमर सीधी, ओम नमो गुरुदेव नमो। ब्रीद इन अगेन, ओम नमो गुरुदेव नमो। फोकस थर्ड आई पे रहेगा। ओके, तो पोस्चर फिर से बता रही हूं, फिंगर्स यहां रहेंगी, थंब ऊपर की तरफ रहेगा, 60 डिग्री का एंगल रहेगा। शुरू करते हैं,
very good. One more minute to go. Seconds to go. दोनों थंब्स को आपको टच करना है ऐसे और अपने फिंगर्स को ऐसे रिलीज करना है ऊपर की तरफ ऐसे और ऑरा से जेंटली अपने आप को अपनी ऑरा को क्लीन करना है. तो आई होप आपने वीडियो देख लिया था. मेरे साथ ये हुआ कि मैं ऑलरेडी इसको दो बार शूट कर चुकी थी और बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ साउंड हो गई और कभी ये वो, तो मेरी तो आज सारा ईगो इरेडिकेट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है. तो पानी ज़रूर पीजिएगा उसके इसके बाद में, और 3 मिनट्स आप रेस्ट कर ली 3 मिनट्स आप रेस्ट कर लेना इसके इस क्रिया के बाद में. उसके बाद ही कोई और क्रिया करिएगा या कुछ भी अपना खाना पीना या कुछ भी ऐसा करना. तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप शेयर कीजिए. इससे डेफिनेटली आपके जो नेगेटिव थाट्स हैं ना इस एरिया में, स्टमक एरिया में, इस एरिया में, ये पूरे रिलीज हो रहे हैं. ये सारे साइंटिफिक पॉस्चर्स हैं. ऐसा नहीं है कि हम इसमें तो हमने कुछ मंत्र वगैरह बोला ही नहीं था, ये तो सारा ब्रीदिंग का ही खेल है. तो यू नो ऑल दो मंत्र्स भी डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल है, बट ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए. मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि आप इसको रोज़ मत कीजिए. जिस दिन आपको स्पेशली ऐसा लगे कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, आप अपने ईगो सेल्फ से नहीं निकल पा रहे हैं, उस दिन इसको कीजिए. हफ्ते में 2 बार कर लीजिए इसको. और मैंने सोचा कि मैं बाकी जब सारी कुंडलिनी क्रिया अपनी एक बार अपलोड कर दूंगी फिर मैं एक मैनुअल डालूंगी. बट अगर आप कुंडलिनी क्रिया करते रहेंगे अपने आप आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे ये करनी चाहिए, आज मुझे थोड़ी हीलिंग की जरूरत है, आज मेरा ईगो ज़्यादा एक्टिव है या यू नो. तो धीरे 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 और हम एडवांस्ड स्टेज पर और जाते जाएंगे. तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा. अपना ध्यान रखिए. ओके, बाय.